नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निदर्शन और स्थान है काशी विश्वविद्यालय का, ये सेंट्रल ऑफिस वाला रोड है और हमारे साथ एक छात्रा है, इनका कुछ समस्या है जो आपके सामने हम लोग रखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि BHU का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है ये पूरा 2-3 महीना चलता होगा और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए एक टीम बना देती है, एक कोर कमेटी बना देती है, CAC बोलते हैं, सेंट्रल एडमिशन कमेटी, जो कि पूरे एडमिशन को देखती है। नो डाउट कि मेहनत बहुत करती होगी, लेकिन इस पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर जो कि 2-3 महीना चल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनके कुछ ग्लीचेज की वजह से। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, सच में उन्होंने ऑफिस के बहुत चक्कर लगाए। आज ये अगर स्क्रीन पे है तो मत समझो कि बस ये अकेले हैं, इनके पीछे वो लंबी कतार है जिनके साथ एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन ने सही बर्ताव नहीं किया है। खैर, ये जजमेंट मैं नहीं करूंगा कि कौन कैसा है, आप इनकी समस्या सुनो, बहुत ही यूनिक समस्या है, मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे, आप कहोगे कि मतलब क्या है ये, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे काम करती है। तो क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। नर्वस मत हो, ठीक है, आराम से अपनी बात को रखो। अंजलि कुमारी, कहाँ से आते हो आप? बिहार। थोड़ा सा पास आ जाओ। हाँ, बिहार से आते हो आप? बिहार मधुबनी से। बिहार मधुबनी से ये हैं। तो अभी कितने महीने हो गए बनारस में आपको? 2 महीने हो गया। BHU में कितने दिन हो गए आपके? वही 2 महीने। 2 महीने। अच्छा, किस कोर्स में हो आप? बीएड साइंस। कहाँ चलता है क्लास आपका? EMPG चलता है। क्लासेस जाते हो आप? हाँ सर, रेगुलरली। कितने दिन से क्लास कर रहे हो आप? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। अभी क्या हुआ आपके साथ बेसिकली, जब क्लास चल रहा है, पढ़ रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? क्लास चल रही थी, उसके बीच में सर ने बुलाया ऑफिस में। अच्छा। फिर वो बुलाए और बोलते हैं कि तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है। अच्छा। अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड दो, पोर्टल ओपन करके देखते हैं। अच्छा। फिर सर ने जब पोर्टल ओपन करके देखा तो वहाँ एडमिशन विड्रॉ बता रहा था। अच्छा। ये कब हुआ, कब पता चला कि एडमिशन विड्रॉल है? 24 अगस्त को। 24 अगस्त को इनको पता चला इनका एडमिशन? सॉरी, 24 सितंबर को पता चला। 24 सितंबर को पता चला कि आपका एडमिशन विड्रॉल है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही? 10 दिन पहले। कितने दिन आप क्लास कर चुके हो BHU में अभी? अप्रोक्स 1.5 महीने। 1.5 महीना लगभग आप क्लास कर चुके हो। yes, मतलब 1.5 महीने क्लास करने के बाद इनको पता चला है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। yes, ऐसा। फाइनली आपका कोर्स एलोकेशन कौन सी डेट को आया था? 9 जुलाई। यहाँ पे पेमेंट भी किए थे सर। पेमेंट कर दिए इनको 9 जुलाई को कोर्स एलोकेशन आया था, यानी कि ये सेलेक्ट हो गई BHU में 9 जुलाई को उनका कोर्स एलोकेशन आया। आपको 48 घंटे 24 घंटे पेमेंट के लिए मिला होगा, फाइनली आपने पेमेंट किया, ठीक है। फिर आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा? हाँ सर। आप आए थे कराने वेरिफिकेशन? 8 अगस्त को, 1 महीने के बाद, पेमेंट होने के 1 महीने बाद। पेमेंट होने के 1 महीने बाद, पेमेंट होने के बाद, यानी फाइनल एडमिशन मेरा हो गया, फिर रिसिप्ट मिल चुका है। हाँ। 1 महीने बाद आप वेरिफिकेशन के लिए आते हो, फिर आप क्लास करने कब आते हो यहाँ पे? क्लास 21 अगस्त से, मतलब उसी के लगभग कितने दिन बाद, मतलब अप्रोक्स 10 दिन बाद। 10 दिन बाद आके अपना क्लास ज्वाइन कर लिए। हाँ। फिर ये 1.5 महीना पढ़ाई भी कर चुकी हैं, अब इन्हें पता चल रहा है कि इनका एडमिशन विड्रॉल हो चुका है। कहाँ रहते हो आप बनारस में? विड्रॉल मैं की भी नहीं हूँ। ठीक है, वो तो अभी मुद्दे पे आएंगे। कहाँ रहते हो आप अभी? हाँ, मलदहिया। क्या घर का, खुद का घर है? नहीं सर, हॉस्टल लेके। कितना रुपए देते हो आप हॉस्टल का? 6,000 रुपए देते हो? 6,000 रुपए देती हैं, हॉस्टल लेके रह रही हैं, 1.5 महीना हो चुका है और अब इन्हें पता चल रहा है इनका एडमिशन विड्रॉल हो चुका है। चलो ठीक है, क्या हुआ फिर, कैसे पता चला एडमिशन विड्रॉल हुआ? सर से पता चला क्लास में। फिर क्या हुआ, फिर पता चल गया, आप क्या किए आगे, क्या हुआ? उसके बाद हम यहाँ आए, सर बोले कि एप्लीकेशन दो। कहाँ पे? यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में। अच्छा, फिर वहाँ से यहाँ आए EMPG से? जी सर। क्या हुआ फिर? यहाँ पे आए, सर को दिए एप्लीकेशन, बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, 2 महीने से क्लास कर रही हूँ और एडमिशन विड्रॉ हो गया। तो सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कौन से सर के पास गए थे आप? यहीं पे CHS। CAC, मतलब कोई सर का नाम भी पता है आपको, मेंबर का नाम पता है? किससे आप मिले? प्रशांत सर। प्रशांत सर से आप मिले बेसिकली, कोई प्रशांत सर है उनसे मिले। ओके, फिर वो सर ने क्या रिप्लाई दिया आपको? सर ने बोला कि मैं पूछता हूँ, आगे देखता हूँ आपके। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर मैं फिर से आई नेक्स्ट डे। ओके, उसके बाद सर ने बोला कि अगर तुम्हारे कॉलेज की तरफ से वो रिटर्न कुछ ऐसा आता है कि तुम वहाँ क्लास की हो, कोई प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, तो कॉलेज की तरफ से कुछ ऐसा लिखवा के लाओ, तो मेरे कॉलेज ने वो लिख के दिया एप्लीकेशन। अच्छा, फिर इनको कॉलेज वालों ने एप्लीकेशन तो यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ, मैम से भी फॉरवर्ड करके यहाँ पे सबमिट हुआ था एप्लीकेशन। अच्छा, फिर जब लेकर आए एप्लीकेशन तो क्या हुआ?
एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ, वेटिंग में रखी गई थी, बट ये लोग अप्रूव नहीं किए। अच्छा, मेरी ही गलती दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये? कि खुद से विड्रॉ की हो। हम नहीं, नहीं, बेसिकली कितने दिन ये सब चला, ऑफिस कितनी बार जा चुके हो? लगभग लगभग 10 दिन से तो मैं आ ही जा रही हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी। 10 दिन से डेली ऑफिस का चक्कर लगा रही है। किससे किससे मिल रहे हो यहाँ पे, किससे किससे मिल चुके हो? यहाँ पे प्रशांत सर से जो रजिस्ट्रार हैं। ओके, ठीक है, जो भी पोजीशन है मुझे भी नहीं पता है, आप उनसे मिले हो? भट्टाचार्य सर से मिले, सीएससी के हेड हैं सर। और किससे मिले आप? और सीडीसी बिल्डिंग में। अच्छा, ये पीछे वाली बिल्डिंग, कंप्यूटर बिल्डिंग जहाँ पे सीएससी बैठती, वहाँ पे भी जा चुके हो? हाँ, वहाँ पे भी सारे टीचर्स को बोल चुके हो कि मतलब अप्रोक्स इन्होंने नोइंग अननोइंग जितने भी पर्सन थे आप उनसे मिले, बस इसलिए कि मेरा आपका एडमिशन पता चले कहाँ पे कैसे हुआ है। यस सर। फॉल्ट कौन बता, क्या बता रहे हैं वो लोग, क्या हुआ है? तुमने खुद से किया है, ये यहाँ से नहीं हुआ है, तुम खुद विड्रॉ किया। तो हो सकता आपने किया होगा? नो सर, मैं नहीं की हूँ। कैसे कोई मान ले कि आपने नहीं किया है? कुछ है आपके पास ऐसा फैक्ट? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? अगर मैं खुद से विड्रॉ की रहती तो क्लास क्यों करती सर रेगुलर? एग्जैक्टली, अगर कोई खुद से विड्रॉल करता तो वो क्लास क्यों करता? सिंपल सा मुद्दा है। बिहार में मतलब रहती हूँ, वहाँ से इतनी दूर आके यहाँ पे मेरा कोई शौक तो नहीं है कि टाइम पास करना है यहाँ पे आके एडमिशन विड्रॉ करके 6000 रुपए देके रेगुलरली क्लास करो। वो भी 6000 रुपए देके तो टाइम पास नहीं करोगे? यस सर। क्योंकि खुद का घर नहीं इनका यहाँ पे। रेगुलरली क्लास कर रही हूँ, एक भी दिन बिना मिस किए। टीचर लोगों को ही पता है, वो लोग एप्लीकेशन भी इसलिए दिए थे कि बच्ची अच्छी है, पढ़ने आती है। हाँ, क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेशन हुआ था, सब कुछ, मतलब हर चीज में इन्वॉल्व कॉलेज में, और फिर भी कॉलेज वाले को पता नहीं है। यहाँ से तो बोलना चाहिए इन लोगों को कि एडमिशन विड्रॉ हो गया, हमको पता भी चलना चाहिए ना। पता चलना चाहिए बेसिकली। अटेंडेंस लग रहा है कॉलेज में। एडमिशन विड्रॉल का डेट आपने जो मुझे मेंशन किया है, आप दिया है, आप बता रहे हो 26 सितंबर को आपको पता चला, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो इन्होंने क्या बताया आपको, कौन सी डेट को आपका एडमिशन विड्रॉल हो चुका है? यहाँ पे आने के बाद पता चला, ये लोग बताए कि 21 अगस्त को हुआ है। 21 अगस्त को ही हो चुका है। अगर उस टाइम बता देते तो हम मॉपअप में, क्योंकि आप क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो 21 अगस्त को। नहीं नहीं, 13 अगस्त को हुआ है। अच्छा, ये जब नहीं आई थी यहाँ पे तो सीएससी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनका एडमिशन पहले ही विड्रॉल हो चुका था। ये 21 अगस्त को यहाँ पे क्लास करने आई है और 13 अगस्त को ही सीएससी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि एडमिशन विड्रॉल हो चुका है, तो फिर आप आते ही नहीं। अगर आप ऐसा होता तो आते ही नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं जो इनका सिस्टम वर्क करता है उसको कैसे। विड्रॉल के लिए बेसिकली एक प्रोसीजर, जो कि मैं एडमिशन करा रहा हूँ बच्चों का तो मैं देख पाता हूँ, वहां पे एक आइकन होता है, उसको क्लिक करना होता है पोर्टल से। yes, तो आपने क्लिक किया होगा? नो सर। ठीक है, आपने क्लिक नहीं किया। बेसिकली क्लिक करने के बाद क्या होता है पता है आपको? क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जनरेट होती है। कोई ओटीपी भी नहीं आया मेरे फोन पे। बेसिकली मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एडमिशन विड्रॉल कराना चाहते हो बीएचयू के पोर्टल से तो एक ओटीपी जनरेट होती है और ओटीपी मेल पे जाती है, मुझे जहां तक आईडिया है। तो क्या आपके मेल पे कोई है? क्योंकि मेल की हिस्ट्री तो होगी वहां पे, तो क्या 13 तारीख की डेट को आपके पास मेल हिस्ट्री में कोई है क्या ऐसा? नो सर, कोई मेल नहीं है। कोई मेल नहीं है। अब एक आप बात बताइए, आप 2 महीने बच्चे को पढ़ा चुके हो, अप्रोक्स 2 महीने पढ़ा चुके हो, इनके मेल हिस्ट्री में विड्रॉल का कहीं ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है। अब बात आती है, सीएससी आपसे कई बार बोली होगी कि आपके इंड से हुआ है, इसका मतलब आपका पोर्टल कहीं पे लॉग इन हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो आपने क्या इनसे आईपी एड्रेस मांगा? मांगे, बट वो बोले कि केस करने के बाद ही मिलेगा वो। मतलब ये खुद लिटरली इनको कोई सजेस्ट किया है कि अगर आप केस करोगे, यानी ये पढ़ाई छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, और आपको बोला गया है कि आप केस करो तब हम ये आईपी एड्रेस देंगे फाइनली कि किस एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप से, किस प्लेस से, किस लोकेशन से आपका एडमिशन विड्रॉल हुआ है, ऐसा कोई आपको बोला कि आप केस करो तब बताएंगे आपको? तो वहां से ऑर्डर मिलेगा इन लोगों को बताने के लिए, केस अगर करेंगे उसके बाद तब ये लोग बताएंगे। अच्छा, वो क्योंकि ये बहुत बड़ा तिजोरी में खजाना होगा और आईपी एड्रेस बता देंगे तो वहां पे चोर जाके लूट लेगा, ऐसा कुछ। और इनके सिस्टम को मैं बताता हूँ, जो इनका पोर्टल होता है आपने अपने एडमिशन के टाइम पे देखा होगा कि अगर बच्चा अपग्रेडेशन में डाल देता है तो अगर हम पेमेंट बीएचयू को दे चुके हैं तो फाइनली मेरा एडमिशन फाइनल हो जाना चाहिए। अब अपग्रेडेशन हम जो डाल रहे हैं वो मेरा सेकेंडरी चीज है, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है व्हाटएवर, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं तभी मैंने पेमेंट किया है। लेकिन इनका सिस्टम ये कहता है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद फिर से अगर आपने अपग्रेडेशन में डाला तो हम आपको 24 घंटे फिर से एक टाइम देंगे, अगर आप उसमें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर हम आपको बाहर कर देंगे। ये आप सीएससी का गलती मानो, सामर्थ्य की गलती मानो, पूरे कंट्रोलर की गलती मानो, पूरे इस एडमिनिस्ट्रेशन गलती मानो, बीएचयू की भीसी गलती मानो, व्हाटएवर जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, हर कोई भी इसमें गुनाहगार है, क्योंकि आपका पोर्टल लोगों को परेशान किया। बीसी को भी आपने मिल गया था, डॉक्यूमेंट दिखाना, तो क्या क्या आपने किया है?
एप्लीकेशन ये यहाँ पे जो सबमिट किया। देखो इनका एडमिशन इनको मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, ये गलती इनकी तरफ से है, सिस्टम की तरफ से है, लेकिन कुछ चीजें मैं मानता हूँ कि सीएससी डायरेक्टली इसमें गलत है। बच्ची का एडमिशन अगर विड्रॉल हुआ तो क्लासरूम में आप इसको बैठने नहीं दे सकते थे। आपने क्यों 1.5 महीने इनको पढ़ाया अपने यहाँ? क्योंकि अगर ये वहां पे नहीं पढ़ती तो कहीं पे आप जाके फाइनली एडमिशन लिए होते, या मुझे लग रहा है आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लिए होते। इन्होंने ये मेल किया हुआ है रिक्वेस्ट फॉर किसको क्या है सुने? अच्छा ऊपर नीचे ये है मेल बीसी को। अच्छा ये बीसी को उन्होंने, हाँ ये बीसी को इन्होंने मेल किया हुआ है अपना, ठीक है। और ये इन्होंने हैंड रिटेन एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये हैंड रिटेन किसको दिया था? ये सेंट्रल एडमिशन कमेटी को। ये इनका कोर्स एलोकेशन की वो रिसिप्ट है जब इनको एडमिशन मिला था, ये वो लिस्ट है, ये फिर रिसिप्ट है। इन्होंने 17,900 रुपए दे के फाइनली एडमिशन लिया था आपने, 17,900 रुपए। तो फाइनली आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या करोगे? उन्होंने तो बोल दिया जाओ केस करो, क्या करोगे आप? पढ़ाई करोगे? पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे, क्लास में बैठने नहीं देंगे, तो करोगे क्या आप? आरटीआई डालो, ठीक है। बेसिकली अब भाई अगर हमें आप मोरल वैल्यूज के बेसिस पे लॉजिकली अगर आप मुझे आईपी एड्रेस नहीं बता रहे हो, चूंकि बता देना चाहिए था, आराम से बता दो कि भाई किस इंड से हुआ है, पता चल जाएगा देश के किस कोने से विड्रॉल हुआ है। अरे भाई हमें एडमिशन विड्रॉल करना है तो अपने पोर्टल से विड्रॉल करेंगे, तुम्हारे पोर्टल से नहीं करेंगे। किया है तुम ही की हो, यही बस बोला जा रहा है, उनको बोल रहे हैं नहीं हुआ है मेरी तरफ से, ठीक है। तो फाइनली ये है बीएचयू का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इनको कितने दिन बीएचयू का चक्कर लगाए होगा, लगभग ये ऑफिस वाला कितने दिन चक्कर लगा? एक वीक से। फैमिली में क्या माहौल है? परेशान है सब, मम्मी पापा बहुत, लेके इतनी दूर से भेजे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पता चलेगा कि एडमिशन कैंसिल हो गया तो क्या ही होगा, आप भी जान समझ सकते हैं पेरेंट्स कितना वरीड होंगे। ओके, तो फाइनली क्या स्टेप लोगे आगे, क्या सोच रहे हो? कंप्लेन करोगे? किसको केस करोगे? कोर्ट जाओगे? ऐसा कुछ? ठीक है, सुझाव यही मेरा भी है कि अगर भाई बहुत रिक्वेस्ट किए हैं वो लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या करें, अब इतनी दूर आके 2 महीने क्लास करके घर फिर तो नहीं जा सकते, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अपने साइड से श्योर हो कि एडमिशन विड्रॉल तुमने नहीं किया था? यस सर, डेफिनेटली श्योर। ठीक है, वो तो जांच में पता चल ही जाएगा, ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो भाई कहां से फॉल्ट है पता चल जाएगा, लेकिन इनके सिस्टम की फॉल्ट ही हो सकती है, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ, क्योंकि इनके सिस्टम में बहुत सारी गलतियां रही हैं। मैं तो चाहूंगा कि एक बार पूरे सीएससी को ही पूरा इंक्वायरी बैठा दो, पता चले कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ गलतियां की। उन्होंने बहुत गलतियां की, बहुत लिटरली गलतियां की हैं, कम से कम 10 गलतियां मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनको एडमिशन मिलना चाहिए, ये इनके भविष्य की बात है, इनके फैमिली की बात है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के साथ साथ देश का भी इसमें कहीं ना कहीं फायदा ही है। पढ़ेंगी तो भाई सब हर जगह फायदा ही है। मैं चाहूंगा कि कम से कम मोरल वैल्यूज को ध्यान में देते हुए अगर ये सही है तो इनको एडमिशन मिले। पहली बात तो इन्होंने इतना मेहनत करके कंपटीशन निकाला, पेमेंट किया 17,000 रुपए, 6,000 रुपए दे के महीने रह रही है, 2 महीना ये कॉलेज में रह चुकी है, अब बाद में बता रहे हो कि एडमिशन विड्रॉल हो गया। आप सही समय बताते तो बच्चा कहीं और डिसीजन लेता, कुछ और डिसीजन लेता। तो फाइनली मैं चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को सीएससी मेंबर्स देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार अपने लेवल पे भी देख लो, अगर आप इनका सब कुछ सही कर सकते हो, अदरवाइज फिर फर्दर आप आरटीआई डालो, और केस करने के लिए आपने सुझाव दिया है तो भाई ये करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, लोग जाते भी हैं और एडमिशन मिलता भी है, ऐसे कुछ केसेस अभी एक बहुत वायरल हुआ आईआईटी वाला मैटर, देखा ही होगा, ठीक है, तो उसमें मिला भाई, जस्टिस ने बोला आप सीट बढ़ा के दो, वो उनकी गलती नहीं है, तो सिंपल सा मुद्दा है कि भाई सीट तो वैकेंट भी है, सीट वैकेंट भी है इनके यहाँ, तो भाई सीट तो इनको दे देनी देनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो व्यूअर्स हैं अपना समझ के कि हमारी समस्या है, सपोर्ट करें जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को, जो ऑफिशियल्स लोग हैं उनको टैग करें ट्विटर पे, अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये पता चले कि एक्चुअली बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन या सीएसी है या जो समर्थ है जो इनका टेंडर लेने का, ये सब जो लोग जुड़े हुए हैं टेंडर ले लेके, ये लोग बेसिकली कैसे काम कर रहे हैं ये लोगों को पता चलना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके मामले में और इस तरीके से और जो मामले हैं उस पर जांच हो, और एजुकेशन की बात है तो इन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्लीज इनको जरूर सपोर्ट करें, ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी टैग करें बेसिकली, और आप भी करना अपने पोर्टल पे, बाकी हम ऑफ कैमरा बता देते हैं बहुत सारी चीजें इनको क्या क्या करना चाहिए अभी, ठीक है। तो हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।